का चीज़ी सा मशरूम टार्ट बनाना आपको सिखाएंगे यूजिंग फ्रेश मशरूम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज। पहले आते हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की तरफ। 200 ग्राम मैदा छान के आप एक बोल में डालें या फूड प्रोसेसर में डालें, इसमें जल्दी से हो जाएगा। फिर आप डालें आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, लेकिन इस मक्खन को ठंडा होना ज़रूरी है। अंडा जो डालेंगे और पानी भी इसमें जो डालेंगे उसको भी ठंडा होना ज़रूरी है, बिकॉज नरम पिघला हुआ मक्खन नहीं चाहिए। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में हमेशा ठंडा क्यूब करके मक्खन डालते हैं ताकि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स से बन जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेड क्रम टाइप। फिर इसमें हम नमक डालेंगे चुटकी भर, ठीक है, और अंडा और पानी बाद में डालेंगे। पहले इसको ज़रा मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो जाए एक अदद अंडा। बहुत थोड़ा सा पानी। बॉल सा बन जाए इसका मतलब है पेस्ट्री रेडी। देखें कितना झटपट बन गया है ना। अब आपके पास टाइम हो तो आप इसको ठंडा करेंगे। चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, शर्जील वेयर्स द बेलन। अच्छा, इसको हम बेलेंगे, ठीक है। 200 ग्राम मैदा, चुटकी भर नमक, 100 ग्राम ठंडा मक्खन, एक अदद अंडा और चुटकी भर नहीं थोड़ा सा दो चम्मच जितना पानी। सब कुछ मिक्स करके इस तरह बॉल बना के रेडी करके रख लीजिएगा। पाइप प्लेट या टिन या कीश का टिन या इस तरह की कांच की प्लेट जो भी आपके पास हो उसको ले लीजिएगा। बेलन आ गया, किसको मारूं बेलन से आज। और इसको इस तरह आप रखें और ये आपकी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है जिसको आप झटपट आराम से बना सकते हैं। घर में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको इसको ठंडा करना ज़रूरी है, ठीक है। 3 से 4 घंटे आप इसको ठंडा करेंगे। मैं दो पेपर के बीच में इसको रख के ऐसे करके साइज ऑफ योर डिश या टिन, पतला बेलिएगा। क्रिस्प सी मज़ेदार सी ये पेस्ट्री बनेगी अगर आपने मक्खन और अंडा और पानी को ठंडा लिया है। ये मेरे बीन्स हैं, लोबिया, जिसको हम यूज करेंगे टू ऐड इसमें। इसको हमने राइज नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह पूरा हमने बेलना है। इससे एक बड़ा कीश या बड़ा टार्ट इस तरह का बन जाता है। फिर हम इसको रखेंगे अवन में। अवन में रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हम इसको 10 से 15 मिनट तक बेक करेंगे। निकालेंगे, अंडा ब्रश करेंगे, बीन्स हटा देंगे, ठीक है, पेपर भी हटा देंगे। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ये पूरा फिलिंग डाल के दोबारा बेक करें। ऐसे ही खाएं, डिपेंड्स आपको क्या बनाना है। कीश बनाना है तो आपको ऑब्वियसली बेक करना पड़ेगा। जहां से भी थिक हो वहां से आप उसको पतला करिए, बेलिए अच्छी तरह राउंड। और अब मैं वो ले आती हूँ कांच का डिश जिसमें मुझे इसको रखना है, मुझे उसको अब बेक करने रख देना है। ठीक है, पेपर हटा दीजिए। इसी पेपर पे आप ये वाले जो बीन्स हैं वो ऐसे करके हम रख देते हैं और इसको मैं अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए, ठीक है। फिर ये एंड्स हम काटेंगे।
जब ये नीट हो जाएगा तब, बेक हो जाएगा तब। That's it, simple as that. टार्ट की जो फिलिंग हमने बनानी है उसके लिए चाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति हम यूज कर रहे हैं अपने शो पे। ये अभी गो, इसको यहाँ रख दूं मैं। प्याज है एक चॉप की हुई, वो हम डालेंगे और मशरूम्स को डाल के सॉटे करेंगे। मशरूम्स को सॉटे करना ज़रूरी है, फ्रेश वाले मशरूम्स को, इसलिए कि ये पानी बहुत छोड़ेंगे। सो यू हैव टू ड्राई ऑफ द वाटर। उसमें आप ये फ्रेश मशरूम्स डाल दीजिए, नहीं है तो बटन मशरूम्स उसके टिन के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशरूम टार्ट में तो ये अच्छा रहेगा। ये सेलरी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सेलरी को भी साथ साथ डाल दीजिएगा, इसके पत्ते नहीं डालिएगा। अच्छा, और क्या है, लहसुन है, लहसुन डाल दीजिएगा चॉप किया हुआ, क्रश किया हुआ। सो आपने इसमें डाला लहसुन, सेलरी, नमक, काली मिर्चें, मशरूम्स और शाताज कुकिंग ऑयल, प्याज, मशरूम्स, लहसुन, सेलरी, नमक, काली मिर्चें, सब कुछ सॉटे करिए। इसको हमें मिक्स करना है। सो चेडर चीज़ है, फेटा चीज़ है, पामिजान चीज़ है, सब कुछ ग्रेट करके यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये फेटा चीज़ है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है फेटा चीज़, सो बी केयरफुल। फिर ये टब वाला क्रीम चीज़ है जो टब में मिलता है। हमने फिर, मेरे पास यहाँ जो भी आपको ड्राई हर्ब्स स्पाइसेस आपको चाहिए, मैंने लिया है बेजल, थाइम और टैरागोन। ठीक है, ये बस सब कुछ हो गया है। ये सब कुछ मिक्स करिए। अब एक प्लेट ले लें, उस पे आप इस तरह इसको चारों तरफ से उठा के यहाँ रख दें। अंडा लें एक, उसको आप ब्रश करिए पेस्ट्री पे, ताकि ये आपके फिलिंग की वजह से पेस्ट्री सॉगी ना हो जाए। अंडा जो है ना, ये एक क्या कहते हैं, एक बैरियर सा बनेगा आपके फिलिंग और पेस्ट्री में। अब आप चाहें तो यहाँ से किसी चीज़ से पकड़ूं इसको, क्योंकि बहुत गर्म है। जिसको थोड़ा सा हमने लूजन अप किया था हर्ब्स के साथ और दूध के साथ मिक्स करके, ये पूरा सेलरी का और मशरूम का मिक्सचर, सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करिए और इसके अंदर रख दीजिए। ठीक है, इसको आपको दोबारा बेक करना है, मगर अच्छी तरह चीज के साथ आप इसको मिक्स करेंगे।